हेलो गाइस, हम हैं केप टाउन में और ये बारिश का मौसम, ये भीगी भीगी बूंदें। मुझसे इन बूंदों ने ये कहा कि मैं अपने होटल से बाहर निकलूं और इस दिलकश मौसम में एक वीलॉग शूट करूं और आपको दिखाऊं केप टाउन की एक और जगह, वाटर फ्रंट जिसको कहा जाता है। कोई भी इंटरनेशनल टूरिस्ट केप टाउन आए और विक्टोरिया वाटर फ्रंट ना जाए, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, इसका नाम है विक्टोरिया और ये समंदर के जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए इसको कहा जाता है विक्टोरिया वाटर फ्रंट। और इस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत ही अलग दुनिया है, जहां एग्जैक्टली इस वक्त मैं खड़ा हूं, मैं 360 डिग्री का ड्रोन व्यू आपको दिखाता हूं। ये है वाटर फ्रंट विक्टोरिया, सामने नीला समंदर और उसके बिल्कुल अपोजिट विक्टोरिया वाटर फ्रंट। हाय, है ना हसीन, मज़ेदार। ये है V&A वाटर फ्रंट की एक और एंट्रेंस और ये है वो एरिया जिसका मैं आपसे शुरू में जिक्र कर रहा था कि आप यहाँ से शॉपिंग सेंटर से इन होंगे लेकिन आपको पता ही नहीं चलना, बिल्कुल अलग माहौल में जा पहुँचेंगे आप। तो ये है वो अलग माहौल जहाँ पे आपको बेतहाशा लोग नज़र आ रहे हैं, रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं, बार नज़र आ रहे हैं, लोकल परफॉर्मर नज़र आ रहे हैं और आप गैस करें कि ये सामने जो ग्रुप बैठा हुआ है कि कौन सा सॉन्ग प्ले कर रहा है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा सॉन्ग प्ले हो रहा था। पहचाना आपने कौन सा सॉन्ग था ये? जी हाँ, ये था 10%। तो अब आ गए हैं हम वॉर्फ एरिया में। इस जगह को कहा जाता है वॉर्फ एरिया और यहाँ पे बहुत सारी आपको बोट्स खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर माउंटेन्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये ग्रे कलर की जो बिल्डिंग है, ये वही मॉल है जो मैं आपको एंट्रेंस पे दिखा रहा था शुरू में। थोड़ी देर में इस मॉल के अंदर भी जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बिक रही होती हैं और कैसा मॉल है, देखने में कैसा है, स्टैंडर्ड क्या है, प्राइसिंग क्या है, प्योर अफ्रीकन कल्चर से मिलती जुलती चीज़ें क्या मिलेंगी यहाँ पे। यहाँ पे जो जैसे ही आपको राइनो खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये इनका हेरिटेज कल्चर है, दे वॉन्ट टू सेव दीज राइनो। तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको हर जगह पे ऐसे राइनोस खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे और नीचे डिटेल्स मेंशन होंगी कि अगर आप हमारे साथ मिलके फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करना चाहें, वॉलंटियर बनना चाहें और आप सेव कर सकें इन राइनोस को अफ्रीका में। यहाँ पे ये आपको फेरिस व्हील भी नज़र आ रहा है और ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। इसका एक व्यू मैंने मॉल से जाके भी कवर किया है, वो भी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। और इस फेरिस व्हील में बैठ के आप पूरा वाटर फ्रंट का नज़ारा देख सकते हैं जो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। अगर आपने हमारी एक का डबल की लास्ट एपिसोड देखी है तो वो हमने यहीं पिक्चराइज करी थी विक्टोरिया वाटर फ्रंट में। और ये काफ़ी बड़ी जगह है, यहाँ पर बहुत चलना पड़ता है। ऑलमोस्ट अगर पूरा दिन आप गुजारे हैं तो बाय वॉक यू कैन कवर लाइक 3 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। और वो देखें सामने आपको विक्टोरिया वॉर्फ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, सामने बिल्डिंग के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा विक्टोरिया वॉर्फ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये पूरा राइट हैंड साइड के ऊपर वॉर्फ एरिया है और सामने वो विक्टोरिया मॉल है, तो वहाँ पर उन्होंने इस जगह का नाम रखा हुआ है विक्टोरिया वॉर्फ। इस मॉल की बहुत सारी एंट्रेंस है, तो अब हम पीछे की तरफ एंटर हो रहे हैं और ये एंट्रेंस नंबर 5 है विक्टोरिया वॉर्फ मॉल की। और अंदर आपको दिखाते हैं कैसा इंक्लोजर है, कैसी शॉप्स हैं, माहौल कैसा है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा मॉल है और सारे इंटरनेशनल ऑलमोस्ट मुझे ब्रांड नज़र आए, जिसमें गुची, अरमानी, प्राडा, लुई विटॉन, नाइकी, रिबॉक और इंटरनेशनल कॉफ़ी चेन्स नज़र आई, स्टारबक्स, सिनाबन, ये सारी यहाँ मौजूद हैं। ये वीडा कैफ़े राइट हैंड साइड के ऊपर, ये भी बहुत अच्छा है, इनकी कॉफ़ी भी मैंने टेस्ट करी, बहुत अच्छी कॉफ़ी है इनकी। अब मैं स्टेयर केस या एक्सलेटर्स ढूंढ रहा हूँ ताकि मॉल के अपर फ्लोर पर जाके मैं वॉर्फ एरिया को कवर कर सकूँ। H&M भी है यहाँ पर, तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर।
ये है फर्स्ट फ्लोर, और टिपिकल इस मॉल का डिज़ाइन जो मुझे लग रहा है वो इस तरीके का डिज़ाइन है कि आपको एक ऐसा लगता है एक बहुत बड़ी शिप के अंदर हैं आप। स्पेशली जो हैंड रेल्स हैं, जो ग्रिलिंग है, वो इस डिज़ाइन की है कि जिस तरीके से आपको शिप के अंदर चीज़ें नज़र आती हैं। ये है V&A यानी विक्टोरिया। Let's see if you guys can find out your flag here. I have found many flags like United Arab Emirates is there, Bangladesh, Pakistan, India, Nepal, USA, Spain, UK, Malaysia, Indonesia, Brazil. So we have one option here at the Starbucks, and then we have another option, McDonald's. I think पहले McDonald's लेते हैं और फिर Starbucks की कैफे लाते हैं। यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यार। ओ ये शॉप मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो चलें विज़िट करते हैं, देखते हैं इनके पास क्या है। हेलो, जब से मैंने वीलॉग बनाना शुरू करा है बड़ा अजीब सा लगता है कि पता नहीं लोग बुरा माने वीडियो बनाते हुए, इजाज़त लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन आप ये देखें क्या कमाल कलर कॉम्बिनेशन है, ग्रीन प्लस ब्लू, ब्लू प्लस येलो, येलो प्लस ऑरेंज। ये ज़ेब्रा पड़ा हुआ है हमारे सामने, इनफैक्ट ज़ेब्रा की खाल। वाओ, चेक करें आप कलर कॉम्बिनेशन। क्या बात है, दिल कर रहा है सब कुछ उठा के ले जाऊं यहाँ से मैं। बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट है, इनफैक्ट गारमेंट्स भी हैं इनके पास, क्रॉकरी, हैंडीक्राफ्ट, सब कुछ ही है ऑलमोस्ट, और सबसे बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन। ये एक और शॉप है अफ्रीकन क्यूरोसिटी, और वाकई मुझे क्यूरोसिटी हो रही है कि मैं अंदर जाके देखूं कि इसमें क्या है। बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है। हेलो, यू आर मेकिंग इट बाय हैंड, इट्स ऑल हैंडमेड। हेलो गाइस, तो ये हम मॉल के सेकंड फ्लोर पे आए हैं, और यू कैन सी द सी इज देयर, द एरिया इज कॉल्ड वॉफ, और यहाँ पे सारे जहाज इनके खड़े होते हैं। एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल वेदर। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ वो फेरिस व्हील, वो देखें सामने, थोड़ी देर पहले हम वहीं से गुजर के यहाँ पहुँचे। सुबह से आप ये देखें केप टाउन का मौसम कितनी करवट बदल चुका है। जब हम इंटर हो रहे थे तो बारिश हो रही थी, फिर धूप आ गई, और अब फिर घटा है। तो दिस इज़ केप टाउन, पल में तोला पल में माशा। और ये वो स्ट्रीट है जहाँ से चलते हुए आके मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई और आपको वीलॉग नज़र आएगी। और ये है वो फेरिस व्हील जिसके नीचे से थोड़ी देर पहले से हम गुजरे थे, और ये पूरा एरिया चलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। मेरा दिल कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए नीचे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, और पाकिस्तान के बारे में सवाल करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में लोग क्या जानते हैं। चले आए मेरे साथ, नीचे चलते हैं। सो टेल मी समथिंग अबाउट पाकिस्तान, एनीथिंग फेमस यू नो अबाउट पाकिस्तान। क्रिकेट। एंड एनीथिंग एल्स अदर देन क्रिकेट? हैंडसम जेंटलमैन लाइक यू। रियली? चले जी, मेरा तो यहाँ बंदोबस्त होने लग रहा है, मुझे सेटल होना पड़ जाएगा यहाँ पे। चले, थैंक यू सो मच गाइस। एंड तो पैसे डाल के देखते हैं ये हिलता है नहीं हिलता। हिल गया भाई, हिल गया, हिल गया।
और अब ये नए पोस्चर में आ गया है, ये अब एक नए पोस्चर में आ गया है, और जब तक इसको दोबारा पैसे नहीं मिलेंगे ये इसी पोस्चर में रहेगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने आना है तो दूसरे एंट्रेंस की तरफ जाना होगा वहाँ के लिए। साउथ अफ्रीकन कल्चर के मुताबिक यहाँ पे शाम का खाना जल्दी खा लिया जाता है, लाइक 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान। और ये हमारा डिनर सर्व हो चुका है, हम एक लेबनीज रेस्टोरेंट में बैठे हैं यहीं विक्टोरिया सी फ्रंट पे, बहुत ही ज़बरदस्त लेबनीज रेस्टोरेंट है। और आज हमने मीट की तह तोड़ दी है, चिकन बीफ मटन लैम्ब सब कुछ ही मंगा डाला है, और लाइफ झिंगा लाला होने वाली है। ओए होए 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 होए, किस किस चीज़ की तारीफ करूँ। और ये है हमारा बड़ा बारबेक्यू प्लेटर, और आप देख सकते हैं क्या दिलकश नज़ारा है। मुझे अभी इस वक्त एडिटिंग करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और मैं वही मज़ा एंजॉय करना चाह रहा हूँ जो उस वक्त मुझे वहाँ वाटर फ्रंट के खूबसूरत मनाजिर में। और ये देखें आप, एक सॉस डाला इसने, और सॉसों की बाहर देखें आप, एक सॉस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्या बात है। मैं जब भी दोबारा जाऊँगा मैं इधर ही लेबनीज रेस्टोरेंट में जाके एक दफा और व्लॉग बनाऊँगा 100%। अभी तो आपको मीठा दिखाता हूँ मैं, आपने कुनाफा खाया होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका में बैठ के ऐसा कुनाफा मैंने पहले कभी नहीं खाया, रियल लेबनीज कुनाफा, इट वॉज जस्ट वाओ। और ये है मेरे साउथ अफ्रीकन फ्रेंड्स के साथ आफ्टर द डिनर यादगार तस्वीर, इनको नहीं पता कि मैं यूट्यूबर हूँ। How much about the total population of Muslim and Christian all together, or you may tell like how many Muslims in the world globally and how much there are Christians? I think it 2 billion Muslims and 2 billion Christians. It's 2 billion Muslims and 2 billion Christians. So all together it's 4 billion. Are you sure? Yes, I'm sure. Are you really sure? Yes. Let me tell you guys, they have won 200 rands by answering all the question one on one. So guys, thank you so very much by being here. You would like to say anything about this channel? Thank you for having us. It was nice playing the game with you. Peace out. Subscribe the Daily Dose. Yeah, subscribe. Please do subscribe. Do subscribe to Daily Dose. The Daily Dose. Love you, Pakistan. Love you, Pakistan.